हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कृष्ण। और देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, जो भी आप लोगों का जी मेंस 2019 का पेपर होने वाला है, तो इस पेपर के बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आप लोगों को, ठीक है, कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ठीक है, आपका पेपर कब होना है, ठीक है, आपके पेपर की फीस क्या रहेगी, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो देखिए, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपकी हर चीज़ तो आ ही चुकी है, बस अब आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ाई करनी है। इसलिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे लिंक देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। मैं आप लोगों में से जो कोई भी बच्चे इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों को करना क्या है, उसके लिए बच्चों को ये krishna1998sir@gmail.com पर मैसेज करना है कि सर माई नंबर इज दिस, माई क्लास इज दिस, ठीक है। और उसके साथ आप लोगों को एक काम और करना है कि आप इस साल पेपर किसका दे रहे हो, मेंस का दे रहे हो या नीट का, वो भी चीज़ दोनों चीज़ आप लोगों को लिख के मेरे को इस मेल पर सेंड करने हैं, ठीक। और आपको ये भी लिखना है कि आप कोचिंग कर रहे हो या किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक। फिर मैं उन बच्चों को पर्सनल गाइडेंस दूंगा, उन बच्चों से कॉल किया करूंगा, उन बच्चों से उनकी प्रोग्रेस को पूछूंगा, ठीक है। टाइम टू टाइम मैं उन बच्चों की हेल्प करूंगा जितनी भी मुझसे पॉसिबल हो सकती है। तो बच्चों, कोई परेशान नहीं होइए, आप लोग जल्दी से जल्दी ये चीज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी जल्दी से जल्दी बच्चे करेंगे, उन सभी बच्चों को मैं आराम से उनके लिए अलग से ग्रुप बनाऊंगा, कोई भी चार्ज नहीं लूंगा मैं टॉप 50 स्टूडेंट्स को, ठीक। अब 50 बच्चों से मैं कोई चार्ज भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में जब आप बच्चों में से कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूँगा, ठीक, अब जो बच्चे बाद में जो ज्वाइन कर रहे हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब बच्चों को स्टार्टिंग में फ्री सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं बच्चों का टेस्ट लूंगा, फिर मैं टेस्ट के बेसिस पर आप लोगों में से उन बच्चों में से जो अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों को मैं छांटूंगा, ठीक। तो इसलिए प्रोसेस पूरी रहेगी, लेकिन मैं जो बैच रखूंगा बच्चों का, वो 50 बच्चों का ही रखूंगा, 50 बच्चों से ज़्यादा मैं नहीं रखूंगा बैच। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, मैं फिर उसके बाद 50 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर मैं उनमें से टेस्ट लूंगा, और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, आप लोगों में से छांट लूंगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, जो टेस्ट कैसा रहेगा बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, तो टेस्ट का जो लेवल रहेगा वो जो जेई मेंस का लेवल आएगा वही रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 11th वाले बच्चों के लिए मैं अलग से बनाऊंगा, 12th वाले बच्चों के लिए अलग से बनाऊंगा, और टारगेट वाले बच्चों के लिए अलग से बनाऊंगा। तो उसके साथ आपको ये भी लिखना है कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, टारगेट हो 11th के हो, 12th के हो, ठीक है बच्चों। अब चलिए बात करते हैं जेई मेंस की थोड़ी बहुत। तो देखो, जेई मेंस की बात करते हैं, तो देखिए ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट जेई मेंस 2019, ठीक है, जो जनवरी में होने वाला है आपका, उसी की आ चुकी हैं। अब देखो, अब आपको जो मॉक टेस्ट वगैरह जो उन्होंने बोला था प्रकाश जावेदकर जी ने, मैंने पहले ही बताया था, तो वो आपके इश्यू अगस्त 2018 मतलब अब स्टार्ट हो ही गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कब से है, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है बच्चों 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2018, 1 सितंबर से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो बच्चों, ठीक। लास्ट डेट जो है आप लोगों की वो है 31st सितंबर 2018, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, सबमिट की और कम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स की, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसके बाद क्या चीज़ है, ये एक जानने वाली बात है कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपके टोटल 8 सिटिंग में होगा, ठीक है, 8 सिटिंग में होगा, और मिड, ठीक है, ये 8 सिटिंग में होने वाला है। और ये याद रखिए, जब इन 8 सिटिंग में से बच्चे को जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो कोई भी एक स्लॉट चूज करना है, जैसे कि आपकी कोई, जैसे मान लेते हैं कि आज हो रहा है, जैसे आज मान ले, आज के दिन मान लेते हैं, आज आपके जो 2 सिटिंग में पेपर हो रहा है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, तो आपको मॉर्निंग या इवनिंग में से कोई एक ही प्रेफर्ड स्लॉट आपको चूज करना होगा जो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितनी सिटिंग है बच्चों, 8 सिटिंग है, और उनका जो पेपर है, तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि किसी सिटिंग में पेपर सिंपल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, पेपर का जो लेवल है वो सारी सिटिंग में सेम ही रहेगा, लेकिन पेपर सेम नहीं रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका, वो 1st वीक ऑफ फरवरी 2019 में बच्चों डिक्लेयर होने वाला है, तो ये भी परेशान नहीं होना आप लोगों को उसके लिए। अब देखो, जो इस साल जेई मेंस का एग्जाम हो रहा है 2019 में, तो ये बाकी ईयर्स जो 2018, 2017, 2016 उन ईयर्स में हुआ था, उनसे कैसे चेंज है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये आप लोगों का जो 2019 वाला जी मेंस का पेपर हो रहा है बच्चों, ये आपका ऑनलाइन बोल सकते हैं, वैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलना ज़्यादा सही रहेगा, इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जाके देख सकते हो मेरी प्रोफाइल पर, ठीक। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इससे पहले आपका ऑफलाइन पेपर होता था, ठीक है। उसके बाद
एक बात बात और है कि जो ये पेपर आप लोगों का होने वाला है अब से, तो अब आपको पता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ा दी गई है। अब आपका पेपर एक साल के अंदर कितनी बार होगा? दो बार होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एक बार जनवरी में आपका पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है और दूसरी बार आपका अप्रैल में कंडक्ट कराया जा रहा है, और इन दोनों में से जिस भी एग्जाम में आपके बेस्ट मार्क्स होंगे वो आपकी काउंसलिंग के लिए लिए जाएंगे, ठीक। ये बात मैंने आपको बता दी कि 8 सेटिंग में आपका पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद जो पेपर आपका करा रहा है वो एनटीए ही करा रहा है, ये आप याद रखिए, एनटीए ही आपका पेपर करा रहा है, ठीक है। और एनटीए जो है आपके, उसने मॉक टेस्ट सेंटर ऑल अक्रॉस द कंट्री, यानी अभी तक उन्होंने बहुत सारे स्टेब्लिश कर चुके हैं, और जिन भी यानी कि जो ब्लॉक्स या जो भी डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं वहाँ भी बहुत जल्दी ही वो अपने मॉक सेंटर्स जो भी उनके वो स्टेब्लिश करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और मॉक टेस्ट तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख ही सकते हो। देखो अब एप्लीकेशन फीस क्या, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं बच्चों, तो जेई मेंस के दो पेपर होते हैं, पेपर वन एक पेपर टू, ठीक है। तो अगर आप पेपर वन देना चाहते हो या पेपर टू देना चाहते हो, मतलब इन दोनों पेपर में से कोई एक पेपर देना चाहते हो, तो जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट के जो बॉयज हैं उनको 500 रुपये चार्ज लगेगा एप्लीकेशन फीस पर, जो पहले ज़्यादा था, ठीक। और आपका जो गर्ल्स हैं गर्ल्स के ऊपर लगेगा 250, ठीक। और जो SC ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको लगेगा बॉयज़ को 250 और गर्ल्स को तो हमेशा ही 250 देना ही देना है। अब देखो बच्चों, अगर आप दोनों पेपर को एक साथ देना चाहते हो, ठीक है, दोनों पेपर को एक साथ देने का मतलब कि जो भी आपका जेई मेंस में दो पेपर होते हैं उन दोनों पेपरों को, देखो जो जिनसे आपको जेई मेंस की कॉलिंग मिलती है वो वाला पेपर होता है पेपर वन, ठीक है, और पेपर टू ये उनके लिए नहीं होता है। अब देखो तो पेपर वन में जो अगर दोनों पेपरों को देना चाहते हो तो बच्चों 1300 फीस लगेगी, ठीक है। SC ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 650, गर्ल्स के लिए हमेशा 650 ही रहेगी अगर दोनों पेपर को देना चाहते हैं तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो पसंद आया हुआ, ठीक है। आप लोग मेरे इस जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसमें मैं टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फ्री दूंगा, बिल्कुल फ्री गाइडेंस, लाइव टू लाइव मैं उनको कॉल किया करूंगा, ठीक है, उनसे पूछा करूंगा, डेली उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को नीचे मैं अपनी जीमेल दे दूंगा, या ये आपको यहाँ पर इस जीमेल पर आप लोगों को क्या करना है बच्चों, मैसेज करना है, और वहाँ पर क्या लिखना है, अपना नाम, कौन सी जगह से हो, कौन सी क्लास है आप लोगों की, ठीक है, कोचिंग करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, आपका कौन सा वीक पोर्शन है, स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, और आप मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन करते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। और आप परेशान नहीं होइए, आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक। और क्या कर सकते हो, मैं फिर अगर जैसे 50 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो मैं फिर आप लोगों का उसमें टेस्ट लूँगा, और टेस्ट के बेसिस पर 50 स्टूडेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट करूँगा, जितने जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे मैं उसी को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है बच्चों। डिस्क्रिप्शन नीचे जरूर देख लें, वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए DPP का कोर्स चल रहा है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, उस कोर्स को जरूर देखिए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम, थैंक यू।